मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमताम् वरिष्ठं वातात्मजं। आप सभी का श्री हनुमान जी महाराज मंगल सुख कल्याण करें, इसी शुभकामना के साथ में आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं, सनातन धर्म में कई लोग मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं और सुंदरकांड पाठ करने से बहुत सारे लाभ हैं। सुंदरकांड जो पाठ करते हैं सप्ताह में एक बार, उनके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। सुंदरकांड सभी मनोकामनाओं के को पूर्ण करता है। किसी भी प्रकार की के संकट हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से संकट समाप्त हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच यमराज शनि राहु केतु ग्रह नक्षत्र अगर विपरीत हो, ऐसी परिस्थितियों में कोई अगर सुंदरकांड का पाठ करता है तो श्री हनुमान जी प्रसन्न होकर सब कुछ अनुकूल करते हैं। सुंदरकांड का कम से कम सप्ताह में एक बार पाठ जरूर करना चाहिए, इससे विषम परिस्थितियों से मुक्ति मिलती है। जीवन में कहीं किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो संकल्प लेकर के 40 दिनों तक कोई अगर पाठ करता है, आपको जो भी हमने बताया, ग्रह हो, पिशाच हो, बाधा हो, या कार्य ना पूर्ण हो रहा हो, सफलता ना मिल रही हो, तो 40 दिनों तक आप श्री हनुमान जी का एक समय पर, निश्चित समय बना लीजिए, उस समय पर पाठ करें और आपको अवश्य ही इसका समाधान मिलेगा। एक बार ज़रूर अपनाएं। लाल फूल गुलाब का हनुमान जी को चढ़ाएं, चमेली का तेल और सिंदूर लगा दें, इससे श्री हनुमान जी ज़रूर प्रसन्न होंगे और गरीबों को कुछ खिला दें, प्रसाद जरूर बांटें। 40 दिनों तक करें आप। श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से भय चला जाता है और खुशियां बढ़ती हैं परिवार में तथा सभी प्रकार के सुख आते हैं। तो सुंदरकांड आप किन्हीं भी बुरी परिस्थितियों से अगर आप गुजर रहे हैं तो 40 दिन तक पाठ करें, आपका अवश्य ही शुभ मंगल कल्याण होगा। मंगल मूर्ति संकट मोचन श्री हनुमान जी आप सभी के कार्य को पूर्ण करें। जय जय श्री हनुमान।